चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला गाड़ी चला। थोड़ा आप रोड पे अच्छे से चलना के द्वारे बहुत कुछ जानते हैं, बस ये नहीं पता क्या क्या जानते हैं, है ना? हम झूठ नहीं बोलते। तो ये सीख रहे हो, इसको बचपन से जानते हो, बस ये पता नहीं कि यही है। क्या जानते हैं आप? कितने लोग पता है कि हम जानते हैं? इनको पता है, बाकी को भी पता है, बस ये नहीं पता कि यही पता करना था, है ना? कभी बाइक या कार धोई है ट्यूब लगा के, है ना? अरे चलाने से पहले वही सब करना पड़ता है ना, घर वाले खुश होते हैं। रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं तो साथ में अगर कोई बड़े लोग हैं तो वो लोग जाके देखते हैं, नहीं आई नहीं ट्रेन। और जैसे ही आप ये स्टंट करने जाते हो क्या होता है? तो पीछे आओ, पीछे आओ। अजीब आदमी है, बूढ़े लोग समझ नहीं आता। दरअसल उनकी बूढ़ी आंखों ने कुछ देखा है। क्या देखा है? कई बार ट्रेन बुला लेती बैठने के लिए नहीं, नीचे। जब ऐसे खड़े होते हैं और ट्रेन बड़ी तेजी से आती है तो बहुत सारे लोग उसके नीचे चले जाते हैं। वो इसलिए नहीं डर के या हड़बड़ा के, बर्नौलीज थ्योरम काम कर, पीछे बढ़ेगा ना तो धक्का किधर मिलेगा? कौन बुला रहा? आइए, लेट जाइए, गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए वो बड़े लोग आपको पीछे खींचते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा है, लेकिन आंखों ने देखा है कि ट्रेन जब बड़ी तेजी से आती है तो छोटे बच्चे उड़ने लगते हैं, है ना? तो दौड़ के पकड़ लेते हैं, सही है? तब तक उसको दिखता है कि एक ट्रक वाला जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से, इसको ओवरटेक नहीं किया तो क्या किया? तो ओवरटेक करता। ट्रक जा रहा, बगल में डिवाइडर है, बीच में केवल उतनी जगह है कि बाइक जब जस्ट निकल जाए, लेकिन वो स्टंट जानता है, वो कहेगा निकाल दूंगा, ऐसा क्या, बहुत बार निकाला। अब ट्रक वाला बड़ी तेजी से जा रहा, वो भी बड़ी तेजी से जा रहा, बीच में एयर फ्लो बढ़ सकता है, है ना? पहले हाईवे पर जा रहे थे 120 से, जो इधर फ्लो था वो इधर फ्लो था, जो इधर प्रेशर था वो इधर प्रेशर था, बैलेंस थी बाइक। लेकिन जैसे ही ट्रक को ओवरटेक करने जाते हैं भाई साहब, तो ट्रक और बाइक के बीच में एयर स्पीड अगर बढ़ गई तो फिर वहां का प्रेशर, तो बाइक ट्रक इधर का प्रेशर बढ़ गया, इधर रिलेटिवली घट गया, धक्का किधर मिल जाता है? गए नीचे। लोग चिल्लाते हैं ट्रक वाले से, अरे रोक रोक रोक। वो कहता क्या हुआ? कहते वो गया नीचे। अब इसमें गलती किसकी है? ट्रक वाले की है, बाइक वाले की है? नहीं, किसी की नहीं, इन्हीं को पकड़ा जाए, है ना? तो ये जब भी बर्नौली थ्योरम बताता हूं, आप भी लाइफ में ये सब काम करोगे ही। कई बार हाईवे पे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो ओवरटेकिंग के चक्कर में होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर आ जाता है कि जब आप ओवरटेक करते हो तो बीच में एयर फ्लो बढ़ जाता है, तो एक थ्रस्ट मिल जाता है अंदर की ओर। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी सफाई से ओवरटेक कर रहे हैं, थोड़ा सा कहीं टकरा गया, बस फैल गए रोड, सही है ना? तो आज के बाद आपको भी जब मौका मिले तो आप सजग रहिएगा। बर्नौली थ्योरम डेंजरस बात है, सामान्य बात नहीं।